अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अभी डेली बेसिस पे व्लॉग आया करेंगे, तो ये कल वाले व्लॉग का कुछ हिस्सा है जिसमें हम लोगों ने ये हरी बर्तन खरीदे थे मिट्टी के, और ये इतना खूबसूरत था। आज मैंने सोचा कि इसके अंदर ना कुछ अच्छा सा पकाती हूँ। तो फिर सबसे पहले अम्मी ने मुझे बताया कि मिट्टी का बर्तन जब भी लाए तो इसको भिगो के रख देते हैं और इसके अंदर ना मीठी चीज़ बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मीठे चावल बनाने के लिए रखे थे, और पहले सबसे पहले मैंने चावल बॉईल कर लिए, और फिर जैसे ही इसके अंदर ऑयल डाला तो मुझे लगा ये फटने लगा सारा ना ऐसे ही, लेकिन ये वैसे ही निशान बना था, लेकिन जैसे ही वो चावल पक के तैयार हुए तो ये निशान ऑटोमेटिक गायब हो गया था। लेकिन अगर रहे भी तो हैर है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसे लीकेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आज के दिन में मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, लेकिन जैसा कि आप लोगों से वादे किया था व्लॉग डेली बेसिस पे आया करेगा, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और चावलों में, मीठे चावलों में बनाने के लिए इतना स्पेशल कुछ था नहीं, तो फिर इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अगेन शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि थोड़ी रिकॉर्ड की थी, मुझे आज चिलापुर जटा भी स्पेशल काम के लिए जाना था, और स्पेशल काम क्या था कि मुझे आज न्यू मोबाइल ख़रीदना था, क्योंकि वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है मुझे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए कैमरा क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त चाहिए, क्योंकि आप लोग तभी व्यूज़ देंगे जब कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया और एक नया मोबाइल बाय कर लिया ये वाला, और सब मुझे मुबारकबाद कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और चलें जी, मज़ेदार से क्लिप को एंजॉय कीजिएगा जैसे ये मेरा वाजा शहजादा इंजॉय कर रहा है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।